बिहार में गंगा को नहर बताने वाला शासनादेश रद्द किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। पिछले 24 दिनों से तीर्थ पुरोहित धरना देकर शासनादेश रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अन्य धार्मिक और सामाजिक संगठन भी पुरोहितों के धरने को समर्थन देने पहुँच रहे हैं। इसे लेकर धरनारत दर्शनों तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में उतर कर तप किया और सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि जल्द से जल्द गंगा को नहर बताने वाला शासनादेश रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस सरकार ने यह गलती की थी, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार को इस गलती को सुधारना चाहिए। अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभिषेक के माध्यम से ये सद्बुद्धि दे रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द शासनादेश को जो मोदी की सरकार लाई थी उसको निरस्त करे, क्योंकि गंगा जी को नाम परिवर्तन करना अपने आप में बहुत दुखद कारण है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो। 24 दिन से लगातार जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें माँ गंगा जी को स्कैप चैनल घोषित किया गया था, हम लोग 24 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और विभिन्न माध्यमों से सरकार को ये बात जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार मतलब कि उस शासनादेश को जो काला शासनादेश था उसको निरस्त करें और निरस्त करने के बाद नया शासनादेश यहाँ वहाँ से जारी करें।